सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वे रीचेकिंग या रीटोटलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप दो तरीके से कर सकते हो, एक है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको पूरा जानकारी बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपको, क्या करना है। बहुत सारे बच्चे के मन में अभी डाउट है कि हम क्या करें, रीचेकिंग में नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो कैसे होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, आपको रीचेकिंग रिजल्ट घोषित होने के 15 दिन के अंदर करना रहता है। जैसे 10 मई को रिजल्ट आया है तो 25 मई के पहले आपको रीटोटलिंग या रीचेकिंग में फॉर्म अप्लाई करना है। जो फीस है वो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी। देखिए, पुनर्गणना आप अगर करवाते हैं तो एक विषय का 100 रुपये लगेगा, और पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन करवाते हो तो एक विषय का 500 रुपये लगेगा, और उत्तर पुस्तिका का अगर 6 प्रति मंगवाते हो तो उसका 500 रुपये लगेगा। आप खुद कर सकते हो cgbsc.nic.in से, या तो यहाँ फॉर्म दिया गया है, फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसको अग्रसेन संस्था में जमा करना है। अगर आपको मालूम नहीं है अग्रसेन संस्था तो अपने स्कूल के जो प्रचार्य हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, पुनर्मूल्यांकन के बारे में नियम। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जाएगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिए गए अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 10%, पहले जो आप नंबर पाए थे उससे अगर 10% या उससे अधिक होता है तभी अंकों में जो वृद्धि है उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है बच्चों, पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक हटाए नहीं जाएंगे। जैसे पुनर्मूल्यांकन में आप डाले हो, अगर आपका नंबर कम हो गया तो कम वाला नंबर को नहीं देखेंगे, जो पहले जो रिजल्ट में आपका जो नंबर आया है ज़्यादा वाला उसको मान्य किया जाएगा। पुनर्गणना में क्या होता है, पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृद्धि, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है ना कि 10% कम होगा या ज़्यादा होगा, वो नहीं दिया है। अगर अभ्यर्थी के जो अंक है उसमें एक नंबर भी कम होगा तो उसको भी मान्य किया जाएगा। जैसे आप 40 नंबर आए हैं शुरू में, आपका रिजल्ट जैसे आया है उसमें 40 नंबर आया है, अगर पुनर्गणना करवाते हैं अगर उसमें 35 नंबर कहीं आ गया तो 35 नंबर को ही मान्य किया जाएगा। तो आपको सोच समझ के पुनर्मूल्यांकन या और पुनर्गणना में डालना है। फीस जो है पुनर्मूल्यांकन का एक विषय का 500 है और पुनर्गणना का 100 रुपये है। जो फेल हो चुके हैं या पूरक है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी जो विषय है उसमें 10% या उससे अधिक की वृद्धि होगा और परीक्षाफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जो पूरक आए हैं अगर रीचेकिंग करवाते हैं और 10% नंबर बढ़ जाता है लेकिन उनके परीक्षाफल में, परीक्षाफल यानी कि जो पूरक है वो पूरक ही रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अंक वृद्धि मान्य नहीं किया जाएगा, और ऐसे जो अभ्यर्थी है ऐसे जो बच्चे उनको नया अंक सूची नहीं दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए नीचे में मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, फॉर्म को आपको फिलअप करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यह है ऑफलाइन तरीका, ऑनलाइन के लिए अभी मैं बताऊँगा थोड़ी देर में। तो इसमें अपना रोल नंबर, परीक्षा का नाम में डालना है, अगर 10वीं वाले तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम, 12वीं वाले तो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम, छात्र का नाम, मुख्य या पूरक तो मुख्य में डालना है आपको, फिर केंद्र क्रमांक, केंद्र का नाम, संस्था का नाम जहाँ पढ़े हो। अब यहाँ पे आपको डालना है विषय, जिस विषय का आपको पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना करवाना है। जैसे यहाँ पे आप हिंदी डाल सकते हो, अगर हिंदी का करवाना चाहते हो तो प्राप्तांक आपके कितना आया था पहले रिजल्ट जैसे जारी हुआ 10 तारीख को उसमें कितना आया है उसको आपको डालना पड़ेगा। पुनर्गणना का है 100 रुपया और पुनर्मूल्यांकन का 500 रुपया, तो आप 6 विषय का करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको सोच समझ के ही इसको भरना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टोटल राशि डाल देना है। जैसे 2 विषय का हम करवाते हैं पुनर्गणना तो 100-100, 200 रुपये हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 200 आपको डालना पड़ेगा, फिर शब्दों में 200 लिखेंगे। अगर आप जेई का या NITS का एग्जाम दिला रहे हो तो उसमें हाँ या नहीं पूछा गया है, तो अगर दिला रहे हैं तो हाँ, नहीं दिला रहे हैं तो नहीं। फिर आपका साइन कर देना है, आवेदक का नाम यानी आपका नाम रहेगा, फिर पिता का नाम रहेगा, गली या मोहल्ला, ग्राम, पोस्ट, विकासखंड, जिला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब अनिवार्य इसको आपको डालना ही पड़ेगा। फिर नीचे में घोषणा पत्र दिया है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और साइन करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया ऑफलाइन तरीका, अब देखते हैं ऑनलाइन कैसे आपको करना है। देखिए, यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है results.cgnic.in, results.cgnic.in, इसमें हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च किए तो यहाँ पे आपका रिजल्ट शो होगा, रिजल्ट वाला लिंक, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप 12वीं वाले हो तो 12वीं क्लिक करेंगे, 10वीं वाले हो तो हाई स्कूल में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है,
फिर कैप्चा कोड, जो कैप्चा नंबर है इसको डालना है 326424। देखिए आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे शो होगा, इसी के नीचे में यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हो आरटी यानी रीटोटलिंग पुनर्गणना, आरबी यानी रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन। इसमें आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जाएगा। परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किसी एक या दोनों या तीनों का आप कर सकते हो। इसमें आपको हाँ डालना है, जैसे हाँ में क्लिक करोगे आपका रोल नंबर, नाम, स्कूल, ये सब जानकारी आ जाएगा। अब जिसमें भी आपको डालना है उसमें आपको क्लिक करना है। ठीक बच्चों, तो फीस यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी। देखिए हम रीटोटलिंग में क्लिक किए हैं तो 100 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, अगर रिवॉल्यूशन में करेंगे तो इसमें 500 दिखाएगा, तो 500 और 100 600 यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे मकान नंबर डालना है अपना। इतना डालने के बाद आपको नीचे में दिया गया है कि आप जेई या आईआईटी या एनआईटीएस की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हो तो यहाँ पे टिक करना है, अगर हो रहे हो तो, अगर नहीं हो रहे हो तो कुछ नहीं करना है और सेव कर देना है। जैसे हम सेव में क्लिक किए तो देखिए आवेदन का पुनः मिलान आपको कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इसके बाद फिर आपको कंफर्म में क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक किए तो देखिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान सक्सेसफुल होने पर ही आवेदन मान्य किया जाएगा। यहाँ पे भुगतान करने में क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे भुगतान करने में तो देखिए आप स्टेट बैंक SBI का जो नेट बैंकिंग है वहाँ से ही कर सकते हो, जो आपका और अदर डेबिट कार्ड है वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कोई दूसरे बैंक का आपके पास ATM कार्ड है, ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड है, तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर SBI का है तो SBI में क्लिक करना है, ये वाला है SBI का, अगर दूसरे बैंक का है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है बच्चों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फीस दिया रहेगा, तो यहाँ पे आपको कंफर्म में क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म में क्लिक करेंगे देखिए कंफर्म में आप क्लिक किए, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे कार्ड नंबर, ATM कार्ड का शुरू वाला नंबर, फिर एक्सपायरी डेट, ATM में शुरू वाले में ATM का जो फ्रंट साइड है वहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे महीना, यहाँ पे सन, कार्ड होल्डर का नाम क्या है उसको लिखना पड़ेगा, यानी जो ATM कार्ड में किसका नाम है, फिर CVV नंबर यानी जो पीछे तरफ जो नंबर रहता है यहाँ पे उसको डालना है, फिर ये जो कैप्चा कोड रहेगा उसको यहाँ पे डालना है, फिर आपको पे में क्लिक करना है। जैसे पे में क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यानी कि जिस इस ATM कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें OTP आएगा, OTP को आप डालोगे फिर सबमिट करोगे तो आपका जो ऑनलाइन जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, आप UPI है वहाँ से ही पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो UPI से भी कर सकते हो, जैसे अमेजन है या फ़ोनपे है वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, अब यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इसमें क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए PDF के रूप में वो आपके सामने रहेगा, ये देखिए। तो पूरा सबमिट होने के बाद लास्ट में जब प्रिंट में हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम पूरा दिए रहेगा, जानकारी कौन से विषय का आप रीटोटलिंग या रीचेकिंग करवाए हो पूरा उसका जानकारी यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप मोबाइल से भी कर सकते हो या तो चाहे तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को
लाइक कीजिए, सभी तक आप शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।